5 ट्रेडिंग मिस्टेक इन माय ट्रेडिंग करियर, 5 मिस्टेक जो मैंने किए और आपने भी की होगी, और उस 5 मिस्टेक से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और मुझे लगता है कि वो तकलीफ आप नहीं लेनी चाहिए, आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए मैं वो आज 5 मिस्टेक बताऊंगा। तो सबसे पहले मिस्टेक कि मैं खुद पे विश्वास नहीं करता था। जब मैं मार्केट में एक नया ट्रेडर था, मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैंने बहुत लर्निंग खुद की थी और ट्रेनिंग भी ली थी, फिर भी मैं क्या करता था कि मैं खुद के मन की नहीं सुनता था, खुद की स्टडी की नहीं सुनता था। मैं टेलीग्राम चैनल पे, मैंने मोबाइल पे जो ऐड किए थे उनके कॉल देखता था, मैं कोई एडवाइजरी थी वो एडवाइजर देखता था, और उनके कॉल पे विश्वास रख के मैं स्टॉक को बाय या सेल करता था। और क्या होता था मालूम है कि उन पे विश्वास करते हुए जो स्टॉक मैंने लिए उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे, यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे, मैं लॉस हो जाता था। क्यों? क्योंकि जिस पे मैंने विश्वास किया उनकी स्टडी बराबर नहीं थी। अगर मैं मेरे स्टडी पे विश्वास रखता तो मैं इतना लॉस नहीं करता। लेकिन बार बार यही होता है कि हम खुद पे विश्वास नहीं करते। आप भी खुद पे विश्वास नहीं करते होंगे, आप भी वही टेलीग्राम चैनल देखते होंगे, आप भी एडवाइजर देखते होंगे, तो ऐसा मत करो। अपने स्टडी पे विश्वास करो, स्टडी को और बढ़ाओ और ज़्यादा नॉलेज लो, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखो। तो चलिए दूसरी मिस्टेक बताता हूँ। दूसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग, जो आपने भी की होगी। मार्केट में क्या होता है आपको मालूम है कि जब हम ट्रेड करते हैं तब अगर कोई ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया तो पोर्टफोलियो या प्रॉफिट एंड लॉस रेड दिखने लगता है या हमारा लॉस दिखने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उस रेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम ग्रीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड। तब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने से वो लॉस कवर तो नहीं होता है, हमारा कैपिटल ज़ीरो होने पर आता है, हमारा कैपिटल बहुत ही कम हो जाता है। दूसरी बार क्या होता है कि हम लोग प्रॉफिट करते हैं फिर भी ओवर ट्रेड करते हैं। हमने लॉस किया तो भी ओवर ट्रेड, हमने प्रॉफिट किया तो भी ओवर ट्रेड। प्रॉफिट हुआ तो ओवर ट्रेड क्यों करते हैं कि 10,000 प्रॉफिट हुआ तो और होने दो, 20,000 होने दो, 30,000 होने दो। तो ये गलती भी नहीं करनी है। अगर समझो हमारा लॉस हुआ, हमारा पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो, अपना सिस्टम बंद कर लो। अगला दिन है ना, शेयर मार्केट थोड़ी एक ही दिन में खत्म होने वाला है। हाँ, 365 दिन शेयर मार्केट है, उसमें से सैटरडे संडे और कुछ हॉलीडे होती है, लेकिन देखा जाए तो 200 दिन के ऊपर तो शेयर मार्केट खुला ही रहता है। हमारे पास और भी चांस है, नेक्स्ट डे भी चांस है, हमें तो लगता है आज ही शेयर मार्केट बंद होने वाला है। तो ऐसा मत करो। आपका अगर लॉस दिख रहा है, पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है या फिर प्रॉफिट लॉस रेड दिख रहा है, आप सिस्टम बंद करो, अगला दिन आने वाला है। और अगर आपने प्रॉफिट किया है तो जो 10,000 आपको मिला है, जो 20,000 ले रहा है मिला है, वो बस हो गया, आप ओवर ट्रेडिंग मत करो। आप क्या बोलते हो कि मैं खाली मार्केट को देखूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप मार्केट में बैठोगे, आप अगर ट्रेड देखोगे तो आपका मन करेगा कि एक ट्रेड ले लूं। मैंने 10,000 प्रॉफिट किया है, 5,000 लॉस होगा तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 5,000 के लिए वेट करोगे, आपका वो 10,000 किया हुआ प्रॉफिट भी जाएगा और आपका खुद का कैपिटल भी कम होगा। ऐसा मेरे साथ भी कितनी बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। सोचो कि आपने ओवर ट्रेडिंग करके कितनी बार लॉस किया है, आपने ओवर ट्रेडिंग करके कितनी बार कैपिटल जीरो किया, आप सोचो। तो मैंने क्या किया, उस पर सोल्यूशन क्या है कि जब भी मैंने एक या दो ट्रेड लिए और मुझे लगा कि आज मेरा दिन नहीं है, मुझे लॉस हो रहा है, मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ। और अगर प्रॉफिट हुआ तो दूसरा ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने मेरा एक रूल बनाया है कि दूसरा ट्रेड नहीं मैं करता हूँ, मेरा प्रॉफिट हो गया, बस हो गया, बराबर है। तो वो चीज़ ध्यान में रखो। और तीसरी बहुत ही ऐसी गलती है जो आपने आप हमेशा करती है, वो है ग्रीड, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। हम लोग एक ही दिन में अमीर होना चाहते हैं कि एक ही दिन में हम करोड़पति बन जाए, एक ही दिन में हम लखपति बन जाए, और हम क्या करते हैं कि हम अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं। पोजीशन साइजिंग यानी क्या कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का सोचिए तो एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है, लेकिन ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में हम अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं। 25 क्वांटिटी का हम 100 क्वांटिटी करते हैं, एक लॉट की हम 4 लॉट करते हैं। उससे क्या होता है कि पोजीशन साइजिंग हमसे कंट्रोल नहीं होती है और हमारा लॉस अफोर्डेबल नहीं रहता है। जहाँ पे हमें 2,000 लॉस होने वाला होता है, वहाँ पे 20,000 लॉस दिखने लगता है, और उसको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास कैपिटल नहीं रहता है। तो ग्रीड के कारण हम हमारी पोजीशन साइजिंग यानी हम हमारी ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और उससे हमें नुकसान होता है। ग्रीड के कारण हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अरे आज हमें 10,000 का फायदा हुआ, चलो हमें बार फिर से 10,000 का होगा, फिर से 10,000 होगा। हम बार बार ट्रेड लेते हैं, बार बार ट्रेड। आज हमारा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हुआ, फिर भी हम नहीं सुनते, हम ग्रीड में फंसे रहते हैं कि नहीं यार हो गया टारगेट, और ज़्यादा करते और डबल करते और ट्रिपल करते। तो ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत नुकसान होता है। आप अपना एक प्रॉफिट सोचो मन में कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ तो बस हो गया, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा। आपके पैसे की, आपके कैपिटल की जितनी पावर है उतना टारगेट मन में रखो, बस उतना ही मुझे कमाना है, ग्रीड नहीं करना है, बराबर। और चौथी मिस्टेक उससे ही कनेक्टेड है, फियर की, डर की। डर किसका,
हमें लॉस से डर नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि आपका लॉस बढ़ रहा है फिर भी आप अपने ट्रेड से हटोगे नहीं, आप स्क्वेयर ऑफ नहीं करोगे, आपको डर लगता है प्रॉफिट का। जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा सा हो गया 1% 2% आप निकाल लोगे, लेकिन लॉस में आपका पैसा जब तक जीरो नहीं होता आप खड़े रहते हो। लॉस में आप जल्दी निकलते नहीं हो, आप कहाँ पे निकलते हो, आप प्रॉफिट में जल्दी निकलते हो। तो आपको डर होता है कि यार मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो जाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। आपको प्रॉफिट में रुकना है और लॉस में आपको जल्दी निकलना है। तो वो कैसा होगा उसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। देखिए, प्रॉफिट में रुकने के लिए क्या करना है कि आपका प्रॉफिट हो गया, आप एक स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट मत रखो, आप एक स्टॉप लॉस लगाओ और भूल जाओ, देखो मत उस सिस्टम को, देखो मत, क्योंकि आप देखोगे और आपको थोड़ा भी प्रॉफिट दिखाई लेगा आपका मन करेगा यार ले लेता हूँ प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो आपको जो टारगेट चाहिए उस पर आप पहुँचोगे नहीं। तो आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो आप एक स्टॉप लॉस लगाओ और उस सिस्टम को बंद कर दो, अब मत देखो। बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना बड़ा हुआ है, मार्केट कितना बढ़ेगा, बराबर है। और डर लॉस का लगता है ना आपको, बराबर। लॉस का कैसा डर लगता है आपको कि समझो ट्रेड आपके अगेंस्ट गया और आपको अगर 1000 2000 10000 लॉस दिखने लगा तो आपके इमोशन को ठेस लग जाती है कि नहीं यार मेरा बहुत लॉस हो रहा है, और आप बहुत टेंशन में आते हो या आप स्टॉप लॉस हिट करने से पहले निकल जाते हो। तो आप एक काम करो, आपने आपकी रिस्क, आपकी जोखिम तो डिसाइड कर लिए कि आपको कितनी रिस्क है, तो उस रिस्क पे एक स्टॉप लॉस लगाओ और बस देखो मत, वही चीज़ करनी है। ग्रीड और फियर के लिए आपको लगाना है स्टॉप लॉस, बराबर है। आपने टारगेट नहीं लगाया ठीक है, सिंपल है, टारगेट मत लगाओ, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है। ग्रीड और फियर के लिए एक ही उपाय है स्टॉप लॉस का, बराबर है। अगर ग्रीड में आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आप बच जाओगे, फियर में स्टॉप लॉस लगाया तो बच जाओगे, बराबर है। अरे और उससे क्या होगा मालूम है, उससे आप ज़्यादा प्रॉफिट में रह जाओगे, बराबर। आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट में आप ठहर जाओगे। तो वो चीज़ करनी है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस लगाया, हमने टारगेट डिसाइड नहीं किया। क्यों डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। अगर टारगेट पहले ही हमने डिसाइड किया तो मार्केट अगर 1000 पॉइंट भी हमारे फेवर में गया तो भी हम 1000 पॉइंट ले नहीं सकते, क्योंकि पहले ही 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हम ले लेते हैं। तो उसके लिए एक सीधा प्रयोग, थोड़ा सा सीधा प्रयोग करके देखो, आप एक स्टॉप लॉस लगाओ और बाद में ट्रेड को छोड़ दो, बराबर है। उसको देखो मत, और बाद में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट आपने बहुत सारा ले लिया है। लेकिन आदमी की एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी हम प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग उसको जल्दी ले लेते हैं। तो वो होता है ग्रीड और फियर, उसके बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी बाद में लेंगे। उससे पहले मैं एक पांचवी गलती आपको बताता हूँ। पांचवी हमारी ट्रेडिंग की सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, वो होता है कि हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता है। तो क्या होता है ट्रेडिंग प्लान, जानना है आपको, बताता हूँ। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है कि हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि हम कितने कैपिटल से करने वाले ट्रेडिंग करने वाले, कितना कैपिटल हम एवरेजिंग के लिए रखने वाले हैं, कितना प्रॉफिट हम ले सकते हैं, कितना लॉस हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ आपको पहले से पेपर में लिख के लेनी होगी, पहले से ही वो रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। अगर समझो आपने एक ट्रेड ले लिया और आपने सोचा, मन में पकड़ा है कि अगर मेरा 3% का लॉस हो जाता है तो मैं निकल जाऊँगा, तो आप निकल जाना, आपको आपका ट्रेडिंग प्लान है। और अगर आपने सोचा है कि मेरे को 2% 3% प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल जाऊँगा, तो निकल जाना है। क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होगा तो आपको मालूम नहीं होगा कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पे आगे बढ़ना है, बराबर है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है प्रॉफिट, आपने समझो 1,00,000 रुपये का ट्रेड लिया और 1,00,000 रुपये ट्रेडिंग पे आपको 2,000 3,000 4,000 5,000 दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं आपको रुकना किधर है, तो आप प्रॉफिट ले नहीं सकोगे और बाद में वही ट्रेड लॉस में जाता है। तो आप पहले से डिसाइड करो कि आपने कितने परसेंटेज या कितना प्रॉफिट लेना है, बराबर। तो ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, और लॉस भी डिसाइड करो कि आपको कितना लॉस लेना है, वो सब ट्रेडिंग प्लान में आता है। अगर लॉस डिसाइड नहीं किया तो लॉस आपका इतना दिखेगा कि कैपिटल भी आपका खत्म हो सकता है। तो ट्रेडिंग प्लान में क्या करना है, ट्रेडिंग प्लान में आपका प्रॉफिट और आपका लॉस दोनों डिसाइड आपको करना है। तीसरी चीज़ और एक ध्यान में रखनी है कि आपको एवरेजिंग के लिए पैसा आपके पास होना चाहिए। एवरेजिंग कब करना है कब नहीं करना है वो आपको मालूम होना चाहिए, बराबर। वो सब ट्रेडिंग प्लान में आता है, और ट्रेडिंग प्लान अगर आप ठीक से करोगे तो आप कम से कम लॉस होगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये 5 मिस्टेक है जो मेरे ट्रेडिंग करियर की थी। लेकिन सबसे मैं पैसे फिर से आपको दोहराता हूँ, फिर से एक रिवीजन करते हैं। सबसे पहली ट्रेडिंग गलती कि अपने आप पे खुद का विश्वास नहीं होना, अपने लर्निंग पे खुद का विश्वास नहीं होना, तो वो गलत बात है। आप अपने लर्निंग पे विश्वास रखो, टेलीग्राम चैनल या एडवाइजर के मत सुनो, अपने आप को ही सुनो। दूसरी चीज़ क्या है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर समझो आप लॉस में हैं, ठीक है, दूसरा दिन है अपने पास, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अच्छी बात है, प्रॉफिट ले लो, अगले दिन फिर से प्रॉफिट करो। तीसरी चीज़ ग्रिड, मैंने जैसे बताया कि ग्रिड में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन साइजिंग हम लोग बढ़ाते हैं, तो मत करो, ज़्यादा क्वांटिटी मत डालो, जितना क्वांटिटी आपको जम सकता है, जितना क्वांटिटी को आप मैनेज कर सकते हो उतनी क्वांटिटी आप डालो। फियर,
फियर क्या होता है, मैंने क्या बताया, हम लोग को लॉस का फियर नहीं होता, हम लॉस को देखते हैं लेकिन प्रॉफिट का फियर हमें लगता है, प्रॉफिट कम प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं, ज़्यादा लॉस में हम रुकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाओ और जाने दो मार्केट को, इतना भी आगे जाना है उसको जाने दो, यानी आपके फेवर में जाने दो, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर आपको डर लग रहा है, एक प्रॉफिट को ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और उसको प्रॉफिट को जाने दो कितना भी जा रहा है वो, और अगर फिर भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसको। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक मैंने बताई, वो मिस्टेक है कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बढ़ना है कुछ मालूम नहीं है। तो आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए कि आपको कहाँ पे रुकना है, यानी आपको कहाँ पे लॉस एक्सेप्ट करना है, कहाँ कितना प्रॉफिट आपको लेना है, एवरेजिंग के लिए कैसा पैसा रखना है, वो सब चीज़ आप एक बुक में लिखो, ये पांच काटे आप ध्यान में रखो, उसको फॉलो करो, आप भी मेरी तरह से स्कूल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू।